हे नमस्ते पीपल, दिस थॉट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी करेंसीज जो इंडियन करेंसी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जहाँ पे इंडिया से अगर जाएंगे तो अच्छे खासे अपने रुपए खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा रुपये टेक्निकली वेस्ट किए बिना कन्वर्ट किए। बट आज मैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ का बात करने वाला हूँ जिनकी करेंसी इंडियन करेंसी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इन कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी जेब से अच्छे खासे रुपए निकालने पड़ेंगे और खर्च करने पड़ेंगे उस जगह पर घूमने के लिए, उस जगह पर रहने के लिए, भले वो कुछ दिनों की बात क्यों ना हो। अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हमारी करेंसी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा वीक हुई है, खासकर डॉलर के मुकाबले। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली करेंसी है US डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 पे जो कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंडियंस जाते हैं खासकर स्टडी करने के लिए। अब एज ए स्टूडेंट आप कोशिश करते हैं कम से कम रुपए खर्च करने के लिए, बट ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत है 53 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप कम पैसों में यहाँ पर थोड़ा सा गुजारा कर सकते हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ऑफकोर्स। 11th नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है कनाडा, या कनाडा बोल दो क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी लोग वहीं पर रहते हैं, आप इसको दूसरा पंजाब भी बोल सकते हो। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ में सेटल होना तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री टू बी सेटल डाउन विथ योर फैमिली। यहाँ का जो प्राइस है वो है 56 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़। 10th नंबर पे वो करेंसी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हर एक जगह पे, हर एक बिजनेस पे, उसका नाम है US डॉलर्स और इसका रेट है 73.25 एक इंडियन रुपीज़ के मुकाबले, जो कि बहुत ज़्यादा। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले इट वॉज 63 और सिर्फ 5 साल में ये 10 डॉलर बढ़ चुका है, जो कि टू मच। आई होप ये नीचे जाए कभी ना कभी। 9th नंबर पर है स्विस फ्रैंक, जिसका रेट है 1 रुपी इक्वल टू 80.24 स्विस फ्रैंक। अब स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने वीडियो बनाया, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री अपनी फैमिली के साथ विजिट करने के लिए। ये कंट्री महंगी हो सकती है क्योंकि एज ए अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं तो शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाएँ, बट अगर पास आपके पास एक अच्छा बजट है तो ये कंट्री घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर अपनी फैमिली के साथ में यूरोप घूमने के लिए, तो मैं आपको बता दूं शायद ही आपकी जेब पे थोड़ा सा हैवी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ का करेंसी का रेट है 1 रुपी इक्वल टू 86.71 यूरोस, जो कि स्लाइटली महंगा है अगर आप फैमिली के साथ में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो। 7th नंबर पर है केमेनियन डॉलर्स, जो कि केमन आइलैंड की करेंसी है। अगर आपके पास एक लग्जरी बजट है, आपके पास अच्छे खासे रुपए खर्च करने के लिए, तो एक फैंसी लोकेशन है अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, यहाँ का जो रेट है 1 रुपी इक्वल टू वो है 87.17 इंडियन रुपीज़ के मुकाबले, जो कि अगेन हाई प्राइस है एज यूजुअल। जैसा कि आप सबको पता है ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है यूरोस, बट अगर आपको जाना है ब्रिटेन, आपको घूमना है लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, तो वहाँ की करेंसी है ब्रिटिश पाउंड, जिसका प्राइस है 1 इक्वल टू 97 ब्रिटिश पाउंड। एंड अगेन इस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, इस वो यूरोप से ज़्यादा महंगा है, यूरोपियन यानी कि यूरो से ज़्यादा महंगा है, तो आपकी जेब पे ज़्यादा वजन डालेगा। टॉप 4 जो कंट्रीज हैं दोस्तों, उनमें से कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है, ये जान के आपको हैरानी होगी अगर आपको पता नहीं है तो। जो इसके नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है जॉर्डन और वहाँ की करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। उसका जो वैल्यू है वो है 103 जॉर्डेनियन दिनार इक्वल टू 1 रुपीज़। मैंने इसके ऊपर अलग से ट्रैवल गाइड बनाई है। अगर आपको जॉर्डन का आर्किटेक्ट देखना है, अच्छी जगह पर घूमना फिरना है, यहाँ पर इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। 3rd नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है ओमान और यहाँ की करेंसी है ओमानियन रियाल। इसका अगर आप रेट सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है 190 रियाल इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे बिजनेस के लिए जाते हैं, खासकर वही लोग जाते हैं जिनका बिजनेस सेटअप करना है, उनको उनका ज़्यादा अच्छे पैसे खर्च करने के लिए। मोस्टली लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाएंगे, तो उनके पास भी एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए। 2nd कंट्री का नाम है बहरीन और यहाँ की करेंसी है बहरीनियन दिनार। अगेन यहाँ का जो रेट है वो है 190 बहरीन इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़। यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिनको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं यहाँ पर रहने के लिए और खाने पीने के लिए। 1 पे जो कंट्री है और जिसकी करेंसी है वो है कुवैत। यहाँ का जो प्राइस है कुवैतियन दिनार का वो है 1 रुपी इक्वल टू 239 दिनार, जो कि बहुत हाई प्राइस है। ये वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव करेंसी है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑयल प्लांट्स हैं, ऑयल फैक्ट्रीज़ हैं,
ऑयल का सब कुछ होता है यहाँ पर। ज़्यादातर जो लोग जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं सिर्फ नॉर्मली एज ए एम्प्लॉयर, उनके हालात कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर भी यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इंडियंस की, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं काम करने के लिए। और पॉपुलर करेंसी भी कुवैतियन दिनार के बाद है इंडियन रुपीज़, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्वर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंट्रीज जहाँ पे इंडियन रुपीज़ की हालत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जैसा कि एक मूवी में बोला था, मज़ा तो तभी आता है जब डॉलर्स में कमा के डॉलर्स में उड़ाएं, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा इंडियंस रुपीज़ में कमा के डॉलर या यूरो में उड़ाएं में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आपके वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।